वालकुम शांी असल एंड वेलकम बैक टू फीलान्स पाकिस्तान यूट्यूब चैनल और आज की वीडियो जो है वो टी के रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं होने वाली लेकिन आज आ, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम लोग 10 से 15 मिनट्स के अंदर एक बेसिक वर्ड वेबसाइट किस तरह से सेटअप कर सकते हैं जिसके अंदर हमारा कॉन्टेंट भी होगा हमारी इमेज़ भी होंगी और एक प्रॉपर वेबसाइट होगी जो हम लोग विद इन टेन से फिफ्टीन मिनट्स सेटअप कर सकते हैं और यूट्यूब के ऊपर जितनी मैंने वीडियोस देखी हैं जो टेन से फिफ्टीन मिनट्स के अंदर आपको वेबसाइट सेटअप uh, करना सिखाते हैं उसके अंदर जो थीम यूज़ होती है वो है एस्ट्रा थीम लेकिन मैंने सोचा कि मुझे कोई डिफरेंट थीम चूज़ करनी चाहिए तो इस वजह से आज की वीडियो के अंदर जो मैं थीम यूज़ करूँगा वो है नीव थीम और आई डोंट नो कि आप लोगों ने इस थीम के बारे में पहले सुना है या नहीं बट एनी वेज Uh, इस थीम के कुछ की फीचर्स हैं जैसे कि ये थीम एलिमेंटो ब्रिजी, बीवर पेज बिल्डर स्ट्राइवर, इवन डीवी का जो प्लग है उसके साथ इसके प्री मेड जो है रेडी टू यूज टेम्पलेट्स आते हैं जो कि एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है और विदाउट फर्दर डू लेट्स मेरा नाम मुस्तान जीक है और आप देख रहे हैं पाकिस्तान ओके okay, सो so, इससे पहले कि हम लोग वर्ड की तरफ मूव ऑन करें आ, कुछ बेसिक जनरल टर्म्स हैं जो कि हम लोग को पता होनी चाहिए और दो चीज़ें ऐसी हैं जिनकी हम लोग को ज़रूरत होती है अगर हम लोग एक प्रॉपर वेबसाइट इंटरनेट के ऊपर चाहते हैं आ, सबसे पहली चीज़ जो है जो हमें रिक्वायर होती है वो होती है होस्टिंग अब आ, हमारे पास होस्टिंग दो किस्म्स की होती हैं एक होती है पेड होस्टिंग और दूसरी होती है फ्री या शेयर होस्टिंग बेसिकली होस्टिंग से मराज ये है कि जब आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट इंटरनेट के ऊपर मौजूद हो और उसको दुनिया का कोई भी इंसान इजीली एक्सेस कर सके तो फिर आपको उसको इंटरनेट के ऊपर डालने के लिए या उसको अवेलेबल करवाने के लिए आ, होस्टिंग की ज़रूरत होती है होस्टिंग को आप इस तरह से समझ लें कि लाइक फॉर एग्जांपल इंटरनेट है एक शॉप है और उसके अंदर अगर आपने अपनी प्रोडक्ट डालनी है तो आप उस शॉप को पैसे देंगे और आप उस शॉप के अंदर अपनी प्रोडक्ट को प्लेस करवा लेंगे तो बेसिकली अगर आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल हो एक्सेसिबल हो तो फिर आपको होस्टिंग जो है वो परचेज करनी पड़ती है या फिर आप फ्री होस्टिंग आ, को यूज़ करके अपनी वेबसाइट को इंटरनेट के ऊपर लेकर आ सकते हैं और जो सेकंड चीज़ होती है वो होती है डोमेन नेम अब बेसिकली डोमेन नेम कोई बड़ी साइंस नहीं है सिंपल चीज़ है डोमेन नेम से मुराद आपकी वेबसाइट का नाम है या आपकी वेबसाइट का यूआरएल है तो जिस तरह फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारी वेबसाइट का जो यूआरएल है वो है फ्री लास्ट पाकिस्तान डॉट कॉम यहाँ पर देखें जीरा किस ऑनलाइन डॉट कॉम ये हमारा जो है डोमेन है हमारी तो हमारे पास लाइक डिफरेंट कंपनीज हैं जो ये सर्विसेज प्रोवाइड हमें करते हैं और अगर आप इन दोनों चीज़ों के बारे में डिटेल के अंदर जानना चाहते हैं तो आप यूट्यूब के ऊपर जाके इन चीज़ों के बारे में रिसर्च कर सकते हैं मैं यहाँ पे इन दोनों चीज़ों के बारे में एक्सप्लेनेशन डिटेल में नहीं दूंगा क्योंकि हमारी वीडियो का टॉपिक नहीं है ये तो लेस जस्ट एज्यूम कि आपने होस्टिंग और डोमेन परचेज कर ली है और आपने अपनी डोमेन के ऊपर वर्ड इंस्टॉल कर ली है उसके बाद अब स्टेप क्या है यहाँ पे हम लोग अपने वर्ड के डैशबोर्ड के ऊपर चले जाते हैं इस वाले को हम क्लोज कर लेते हैं तो जब आपने अपनी डोमेन के ऊपर वर्ड इंस्टॉल कर ली तो काइंड kind ऑफ of आपके पास इस तरह का लुक आएगा अभी मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी एक थीम इंस्टॉल्ड है जो कि डिवी थीम है लेकिन आ, ये एक प्रीमियम थीम है तो आज की वीडियो के अंदर हम लोग कोई प्रीमियम थीम या प्लगइन यूज़ नहीं करेंगे हम जो कुछ भी करेंगे वो सारा कुछ फ्री में होने वाला है तो सबसे पहले आपने जब वेबसाइट सेट करनी है तो आप थीम्स के ऑप्शन में जाएंगे अपेयरेंस थीम्स और आप न्यू थीम ऐड करेंगे अब आज की जो वीडियो है उसके अंदर जो थीम मैं डिस्कस करूंगा या जो यूज करूंगा वो है नीव थीम एन ई वी ई अब मुझे नहीं पता मैं इसको सही प्रोनाउंस कर रहा हूं या नहीं खैर ये थीम आयल के ऊपर थीम अवेलेबल है जो कि वर्डप्रेस डिपॉजिटरी के अंदर भी अवेलेबल है थीम और आ, फ्री थीम है लेकिन आप अगेन इसको फ्रीमियम थीम आप इसको समझ लें आप इसको फ्री में भी यूज़ कर सकते हैं देन आप इसको अपग्रेड भी कर सकते हैं और ये मुझे रैंडमली नजर आई आ, इंटरनेट के ऊपर तो मैंने सोचा कि वाई नॉट गिव इट अ ट्राई इसके ऊपर इन्होंने काफ़ी बताया कि ये स्पीड में काफ़ी फास्ट है लाइट लाइट वेट थीम है और इसकी एक काफ़ी मज़े की चीज़ है जो मैं अभी आप लोगों को आगे जाके बताता हूँ तो सिंपल अभी हम लोग यहाँ पे जाके सर्च कर लेते हैं अपनी थीम को और यहाँ से हम लोग एंटर कर लेते हैं यहाँ से हम लोग ने इसको इंस्टॉल कर लिया है अब मैंने काफ़ी ज़्यादा जो YouTube वीडियोस देखी कि हाउ टू सेट वेबसाइट इन विद इन टेन मिनट्स या इन लेस दैन टेन मिनट्स तो उसके अंदर सब ने एस्ट्रा थीम यूज़ की नो डाउट एस्ट्रा थीम बहुत अच्छी है लेकिन मैंने सोचा कि मैं कोई डिफरेंट थीम इस्तेमाल करता हूँ तो नीव थीम मेरे सामने ऑप्शन था तो मैंने कहा लेस ले स्ट्राइट और इसकी एक बहुत ही अच्छी ऑप्शन है जो मैं अभी आप लोगों को आगे जाके बताऊंगा तो यहाँ पे हमने अपनी थीम इंस्टॉल कर ली है अब हम लोग सिंपल इसको जाके एक्टिवेट कर लेते हैं और यहाँ पे हमारे पास थीम एक्टिवेट हो गई है अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास ये नीव ऑप्शन यानी कि हमारी थीम के ऑप्शन शो होने लगी हैं सिंपल हम लोग ने क्या करना हम लोग इसको क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे हमारी थीम की सारी ऑप्शंस शो होने लगी हैं यहाँ से हम लोग बेसिक कस्टमाइजेशन कर सकते हैं फॉर एग्जांपल हम लोग कलर्स uh, अपनी वेबसाइट के सेट कर सकते हैं हम लोग लोगो वगैरह सेट कर सकते हैं तो सबसे पहले हम लोग इसको जल्दी से बेसिक uh, कस्टमाइजेशन जो है वो हम लोग कर लेते हैं और उसके बाद मैं आप लोग को बताऊंगा कि आप लोग साइट किस तरह से अपलोड uh, कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर तो ये हमारी अभी बेसिक वेबसाइट है यहाँ पे यहाँ पे हमारे पास इस थीम की डिफरेंट कस्टमाइजेशन अवेलेबल है मेन्यू की यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है हमारे पास एडिशनल सी की है बर्न टाइपोग्राफी कलर्स एंड बैकग्राउंड्स ये सारा कुछ हम लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं अभी कह रहे हैं हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ से इसको क्रॉस कर देते हैं अब यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट चीजें यहाँ पे शो हो रही हैं यहाँ पे अब आप लोग एक ऑप्शन देखेंगे स्टार्टर साइट्स का अब जब हम लोग इसको क्लिक करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन आता है कि अगर आप लोग चाहते हैं कि आप डेमो साइट्स अपलोड करें अपनी साइट के ऊपर तो आपको एक प्लग जो है उसको इंस्टॉल एंड एक्टिवेट करना पड़ेगा तो यहाँ से हम लोग उस प्लग को इंस्टॉल और एक्टिवेट कर लेते हैं और जैसे ही हमारा प्लग इंस्टॉल और एक्टिवेट होता है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास बहुत सारे थेम्पलेट्स या कंप्लीट साइट्स हमारे पास यहाँ पे शो होने लगी हैं और एक और मज़े की बात गूटनबर्ग जो पेज बिल्डर है उसकी आ, अलग टेम्पलेट्स हैं लाइक उसकी ऑप्टिमाइज टेम्पलेट्स हैं अगर आप एलिमेंटर यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट टेम्पलेट्स हैं या फिर वही टेम्पलेट्स हैं लेकिन उनको उस स्पेसिफिक पेज बिल्डर के साथ ऑप्टिमाइज कर दिया है ब्रिजी अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो अगेन उसके साथ भी आप लोगों को यहाँ पे टेम्पलेट्स दे दिए हैं बीवर पेज बिल्डर अगर आप यूज़ करते हैं तो अगेन यहाँ पे और आपके पास टेम्पलेट्स जो होने लगे हैं लाइक टेम्पलेट्स एक्चुअली में सेम हैं लेकिन उनकी कम्पेटिबिलिटी जो है वो चेंज है और एक और मज़े की बात कि अगर आप नीव थीम जो है उसकी प्रो वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो आप डिवी जो प्लग है उसको भी यूज़ कर सकती हैं अपनी थीम के साथ तो ये काफ़ी मज़े का फीचर है अगेन आप थ्राइव जो पेज बिल्डर है आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन आज की वीडियो में हम लोग एलिमेंटर यूज़ करेंगे तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले एलिमेंटर जाके इंस्टॉल कर लेते हैं तो यहां से हम लोग इंस्टॉल प्लग इंस के अंदर जाएंगे एट न्यू और यहाँ पे हम लोग सर्च करेंगे एलिमेंटो अब बेसिकली एलिमेंटो एक ड्रैग एंड ड्रॉप पेज बिल्डर है जो हमें अलाउ करता है कि हम रियल टाइम के अंदर विजुअली अपनी वेबसाइट को या अपने पेज को अपनी पसंद के लिहाज से उसको कस्टमाइज कर सकें तो यहाँ पे हमारे पास एलिमेंटोर जो है वो एक्टिवेट हो गया है अब हम लोग अगेन अपेयरेंस और यहाँ से स्टार्टर साइट्स के अंदर जाते हैं और यहाँ से हम लोग एलिमेंटोर को सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से हम लोग कोई भी जो टेम्पलेट है हम लोग उसको सेलेक्ट कर लेते हैं फॉर एग्जाम्पल लेट्स जस्ट से कि हम लोग ये एनर्जी पैनल्स वाला जो है हम लोग इसको प्रीव्यू क्लिक करते हैं और इस कंप्लीट साइट को हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं जब आप इंपोर्ट के बटन को दबाएंगे, तो वो आपको एक नोटिस देगा कि आप लोग बैकअप वगैरह बना लें देन वो आपसे पूछेगा कि आपने इंपोर्ट करना क्या क्या है आपने कंटेंट खाली इंपोर्ट करना है या आपने कस्टमाइज सेटिंग्स यानी कि जो थीम की डिफॉल्ट टाइपोग्राफी है या कलर्स हैं उनको भी इंपोर्ट करना है विजिट्स भी इंपोर्ट करने एंड देन उस थीम के साथ जो प्लगन्स यूज़ हो रही हैं इस वेबसाइट के साथ जो प्लगन्स यूज़ हो रहे हैं आपने उनको भी इम्पोर्ट करना है या नहीं तो अगर आपने एलिमेंट और पहले इंस्टॉल नहीं किया हुआ तो ये आपके लिए ये एलिमेंटोर को खुद इंस्टॉल कर देगा तो यहाँ से हम लोग सारा कुछ ऑन रखते हैं और हम लोग यहाँ से सिंपली इंपोर्ट कर देते हैं अब यहाँ पे आपने सुकून से बैठ जाना है चाय शाय आप लोग पी और ये आपकी प्रॉपर वेबसाइट को सेटअप करेगा आपके लिए पूरा कॉन्टेंट आपकी वेबसाइट के ऊपर अपलोड हो जाएगा तो यहाँ पर उसने कहा कि कॉन्टेंट वो सक्सेसफुली सक्सेसफुल इम्पोर्टेड इंजॉय योर न्यू साइट अब हमारे पास दो ऑप्शन हैं एड योर ऑन कॉन्टेंट इसके ऊपर हम लोग बाद में आते हैं पहले हम लोग देखते हैं कि हमारी वेबसाइट लग कैसी रही है तो हेर वी हैव आर वेबसाइट जहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी एनिमेशंस हैं, हैं इसके ऊपर हमारे पास डिफरेंट मॉड्यूल्स uh, या सेक्शंस हैं कलर्स uh, इतने अच्छे हैं हमारे पास यहाँ पे uh, थोड़ा टाइम लगा रही है ये पिक्चर्स लोड करने में लेकिन हम लोग इसको लोड होने देते हैं हमारे पास इवन डिफरेंट पेजेस भी हैं जो कि ख़ुद ऑटोमेटिकली सारा कुछ सेटअप हो चुके हैं अब फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हैं कि आपने इसके अंदर थोड़ी सी कस्टमाइजेशन करनी है से uh, कि आप चाहते हैं कि कॉन्टेक्ट uh, पेज पर हम लोग आते हैं और आप चाहते हैं कि आपने यहाँ पे नंबर चेंज करना है और आपने इन आइकन्स का कलर भी चेंज करना है तो आपने सिंपल क्या करना है कि अपने इस ऊपर वाले बार के ऊपर देखना है तो आपके पास ऑप्शन होगा एडिट विद एलिमेंटोर आपने इसको क्लिक कर देना है और अब एलिमेंटोर लोड हो जाएगा जिसकी वजह से हम लोग सिंपली अपनी वेबसाइट के कंटेंट को अपडेट कर सकेंगे या चेंज कर सकेंगे तो यहाँ पे हमने स्क्रॉल डाउन करना है अब फॉर एग्जांपल आपने ये नंबर चेंज करना है तो आपने सिंपल क्या करना है आपने इसको ट्रिपल क्लिक करना है तो ये यह यहाँ पे आपके पास शो हो जाएगी बार यानी कि अब आप इसको एडिट करें बैक स्पेस कर दें और यहाँ पर आप कोई भी नंबर लिख दें फॉर एग्जाम्पल हम लोग लिखते हैं ज़ीरो फाइव वन वन ज़ीरो वन ज़ीरो वन जीरोस से देन आप यहां से इसका आइकॉन भी चेंज कर सकती हैं ये नीचे वाली जो डिस्क्रिप्शन है वो आप यहां से चेंज कर सकते हैं तो लिख so, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं देन आप अगर चाहते हैं कि इसका कलर चेंज हो तो आपने सिंपल यहाँ से स्टाइल के अंदर जाना है नॉर्मल स्टेट में अभी ये जो ग्रीन कलर है आउटलाइन के अंदर यहां से आप इसको uh, let's just say, इसको हम लोग ये वाला कर देते हैं एंड देन जब हम लोग होवर करें तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं ये ग्रीन हो जाता है तो यहाँ से हम लोग इसको कर देते हैं सेकेंडरी कलर यानी कि जो मेन कलर है उसको हम लोग कर देते हैं ये वाला ब्लू और जो प्राइमरी कलर है आई गेस ये आउटलाइन है इसको हम लोग स्टेट कर लेते हैं इस तरह तो अब आप लोग देखेंगे कि बैकग्राउंड कलर जो है हमारे आइकन का वो ब्लू है और जो हमारे आइकन का कलर है वो येलो हो गया है इसको यहाँ से हम लोग क्लियर भी कर सकते हैं अब सिंपल हमारे आइकन का कलर चेंज होगा देन यहाँ से हमारे पास हॉवर एनिमेशन है कि जब हम लोग अपने आईकॉन के ऊपर हॉवर करें तो वो कोई ओ, आ, एनिमेशन प्ले करे या ना तो यहाँ पे हमने फॉर एग्जांपल एक एनिमेशन रख दी देन अगेन हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं अगर आप चाहते हैं कि मैं इनको डिटेल में एक वॉक थ्रू इस आ, एलिमेंट और पेज बिल्डर के ऊपर बनाऊँ तो आप लोग जरूर कॉमेंट में बता दिएगा लेकिन अगर आप लोग ने मेरी डिवी सीरीज़ देखी हुई है तो सारा कुछ सेम है इंटरफेस डिफरेंट है लेकिन बाकी सारा कुछ जो है वो सेम है तो यहाँ से सिंपल हमने अपडेट कर दिया और इस तरह से हमारी जो वेबसाइट है उसके ऊपर कॉन्टेंट चेंज हो गया अब यहाँ से हम लोग सिंपल एग्जिट कर देते हैं तो इधर से हमने कर लिया व्यू पेज और यहाँ पे हमारा जो कंटेंट uh, है वो अपडेट हो चुका है और इस तरह से आप लोग विद इन फ्यू मिनट्स लाइक टेन टू ट्वेल्व मिनट्स के अंदर एक प्रॉपर वेबसाइट को सेटअप कर सकते हैं एंड देन आप उसको अपनी मर्जी से कस्टमाइज़ uh, कर सकते हैं तो यहाँ पे हम लोग जल्दी से कस्टमाइज़ के अंदर जाते हैं थीम कस्टमाइज़र के अंदर और हम लोग इसकी मेन्यू सेटिंग्स को चेक करते हैं हमें ये थीम कौन कौन सी सेटिंग्स uh, जो है वो प्रोवाइड कर रही है तो यहाँ पे हम लोग हेडर में चले गए यहाँ पर अब हमारे पास है हेडर पीसेट्स तो ये हमारे पास एक हेडर का वर्जन है जो कि ऑलरेडी हम लोग लगा चुके हैं देन हमारे पास एक ये ऑप्शन है इस तरह वाला देन आप यहाँ पे बटन ऐड कर सकते हैं और इस बटन को आप इवन एडिट भी कर सकते हैं सो so लाइक like आप इसको कह लें फुल बिट बटन बन जाएगा ये स्टाइल के अंदर जाएँ तो आप यहाँ से इसकी डिफरेंट ऑप्शन को अगेन चेंज कर सकते हैं और यहाँ पे भी आपके पास एक बिल्डर जो है वो शो होने लग गया है यहाँ पे इस तरह करके यहाँ से आप इसके इवन रेडियस को भी बढ़ा सकते हैं ताकि ये थोड़ा सा राउंड हो जाए बटन तो यहाँ से इसको हमने इस तरह राउंड बना दिया एंड देन आप इसका टेक्स्ट चेंज कर लेते हैं तो फॉर एग्जाम्पल हम लोग लिख लेते हैं क्लिक मी तो काफ़ी ये सिंपल थीम है पावरफुल थीम है और मुझे काफ़ी मतलब अच्छी लगी है मैं यूजली डिफरेंट थीम्स इस्तेमाल नहीं करता मैं सिर्फ डिवी थीम ही यूज़ किया मैंने जितनी बार भी की है तो मेरे लिए भी ये काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है डिफरेंट थीम को ट्राई करना तो इस वीडियो से इतना ही और आज का टॉपिक हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है अगर आप चाहते हैं कोई डिवी के रिलेटेड वीडियो या अगर आप चाहते हैं कि एलिमेंटोर के ऊपर मैं कोई वीडियो बनाऊँ या ब्रिजी थीम के ऊपर या फिर कोई और ऐसी चीज जो मैं मैनेज कर सकूँ तो डू लेट मी नो इन द कामेंट्स बिलो और इन शगली वीडियो के अंदर मुलाकात होगी टिल देन टेक केयर अल के बाद एंड जी आउट